हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विजन अकादमी में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म क्या होता है और उसके चार्ट को हम लोगों ने समझ लिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से चार्ट बना हुआ है। और इसी तरह से हमने पिछले वीडियोज में चार्ट बनाया था। And what is isomerism and what is the phenomenon of isomerism? We have already discussed about it. Now, हमने पिछले वीडियोस में ही आपको बता दिया था कि next वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? Structural isomers क्या करेंगे? Discuss करेंगे। Structural isomers क्या होता है? ये बातें हम लोग discuss कर चुके हैं। And type of structural isomers में सबसे पहले हमें किस isomers के बारे में पढ़ना है? उसके बारे में हम पढ़ने आज जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है वह है चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। चलने से पहले सीखते कुछ ऐसा कि लोग सीखना चाहें आपके जैसा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, ज्यादातर एग्जाम में क्या होता है, कंपाउंड्स दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इसमें कितने टाइप के आइसोमर्स पॉसिबल है। बोला जाएगा कितने टाइप के चेन आइसोमर्स बन सकते हैं, कितने टाइप के पोजिशन आइसोमर्स बन सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स क्या होता है, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। आप एग्जांपल से इसे क्या करो, समझाओ। तो अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अगर आप देखें तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि जब किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे, सेम होंगे बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है? पिछले वीडियोस में आप लोगों को ढेर सारे एग्जांपल्स मैंने समझाए थे, और अगर आप नहीं देखा है तो कोई टेंशन नहीं है, अभी मैं ढेर सारे एग्जांपल्स कराऊंगा तो आप समझ पाएंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है, समझ में आ गया? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट क्या है, डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो आपको समझाया गया था कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग टाइप के होते हैं। उसी में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। तो देखिए, चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म समझने से पहले ये 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर इन 5 पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर दोबारा किसी कंपाउंड के चेन आइसोमर्स बनाते समय या कोई भी आइसोमर्स बनाते समय आप गलत नहीं करोगे। होता क्या है, आप बिना रूल्स जाने पहले क्या करते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं, पहचानना शुरू कर देते हैं, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आपको प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5 रूल्स आपको समझने पड़ेंगे। और छोटे छोटे रूल्स हैं, दिमाग में बैठ जाएगा तो मजा आएगा। और हाँ, एग्जाम में अगर आता भी है कि व्हाट इज चेन आइसोमर्स और न्यूक्लियर आइसोमर्स या व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, तो आप यही 5 डेफिनेशंस देकर के 5 पॉइंट्स लिख करके और एग्जांपल देके आइएगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और याद रखिएगा कि जब भी ये ऐसे आएगा कि व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, तो ये 2 मार्क्स का होगा, ये भी याद रखिएगा। तो सबसे पहले समझिएगा कि जो चेन आइसोमेरिज्म है, इट इज ए टाइप ऑफ SI, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, आप हालांकि शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखिएगा, पूरा लिखिएगा कि इट इज ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, यानी कि चेन आइसोमर्स क्या होता है, चेन आइसोमर्स एक तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है। यानी कि जो डिफिनेशन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की होगी वही डिफिनेशन इसकी भी होगी। यानी कि चेन आइसोमर्स वे कंपाउंड्स हो करेंगे जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे बट उनके डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अब आइए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए इस बात को, इस बात को ही आपको समझना है। ठीक है, ये की पॉइंट समझ सकते हैं चेन आइसोमर्स का। कहा जा रहा है कि जो चेन आइसोमर्स होता है यह पॉसिबल होता है या होता है किसकी वजह से, डिफरेंट इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन, यानी कि कार्बन चेन में डिस्टर्बेंस की वजह से।
डिस्टर्बेंस वर्ड तो अच्छा नहीं लगेगा, बट आपको समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जब कार्बन चेन बनी हुई है, जैसे जैसे मैंने कार्बन चेन लिया CH 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 और CH, ये एक कार्बन चेन दी हुई है। अब इस कार्बन चेन में मैं क्या कर दूं, इन कार्बन चेन में मैं क्या कर दूं, ये पेरेंट चेन है, इसमें क्या कर दूं मैं, कुछ चेंज कर दूं। कैसे कैसे चेंज कर दूं मैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब मैं इसको हटा करके यहां नहीं यहां कर दूं, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब मैं इसको हटा करके यहां पर कर देता तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, फिर काउंटिंग ऑफ 1 2 3 4 5 कर लेते कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि चेन ऐसे बन जाता, बट इसको हटा करके यहां कर दिया मैंने। तो अब आप देखो कि यह क्या था, 5 कार्बन चेन था, बट यहां अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 एंड 4, यह क्या हो गया, छूट गया कि छूट गया, यह छूट गया कि छूट गया। तो अब एग्जांपल्स करोगे तो बहुत सारी बातें समझाएंगे, पहले इसको समझो आप कि इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। यानी कि कार्बन चेन में क्या हो जाता है, कुछ डिफरेंस हो जाता है, ओके। उसके बाद आते हैं, द कार्बन चेन मे बी स्ट्रेट, इट्स स्ट्रेट चेन, द कार्बन चेन मे बी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों को समझो। यानी कि बताया जा रहा है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कार्बन चेन स्ट्रेट चेन हो सकता है और कैसा हो सकता है, ब्रांच चेन हो सकता है। और जो चौथा पॉइंट है, ये भी आप समझिए इंपॉर्टेंट ही है कि चेन आइसोमर्स के लिए कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 3 कार्बन एटम्स मे शो CI, दैट मींस चेन आइसोमेरिज्म। यानी कि अगर 3 से कम यानी कि 2 कार्बन एटम है, 1 कार्बन एटम है, तो यह चेन आइसोमर्स नहीं देंगे। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी कि चेन आइसोमर्स के लिए मोर देन 3 कार्बन एटम का होना कंपलसरी है। यानी कि मोर देन 3 एटम, यानी कि इन द सेंस 3 पे भी बात नहीं बनेगी। यानी कि चेन आइसोमर्स जो होता है वह मोर देन 3 कार्बन एटम से क्या होता है, शुरू होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, यानी कि कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 3 कार्बन एटम्स में शो CI, दैट मींस चेन आइसोमर्स। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 बताया जा रहा, alkenes, alkynes and compounds having FG. FG that means functional group. Compounds having FG that means functional group may show CI. CI that means chain isomerism. मतलब समझ आ रहा है कि यानी कि alkene, alkene, alkynes and compounds having functional group, ये सारे के सारे क्या करते हैं, chain isomers show करते हैं। इतनी बातें अब समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट दिखने में आपको थोड़ा सा लेंथी लग सकते हैं, बिना इनके पढ़े आप क्या करोगे, अगर सीखोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर ढेर सारे एग्जांपल्स करना शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, देखिए हम चेन आइसोमर्स के एग्जांपल्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कि चेन आइसोमर्स में एग्जांपल्स में जैसे कि आपको बताया गया कि व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, क्वेश्चन आपको मैंने बताया। उसी तरह से मैंने ऊपर भी क्वेश्चन लिख दिया है कि इस तरह के कंपाउंड्स दिए जा सकते हैं, हालांकि पढ़ तो हम एग्जांपल ही रहे हैं, बट मैंने उस एग्जांपल को क्वेश्चन के फ्रेम में भी चेंज कर दिया है कि इस तरह के क्वेश्चन के फ्रेम में भी क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी CI दैट मींस चेन आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल इन फॉलोइंग कंपाउंड्स, यानी कि फॉलोइंग कंपाउंड्स में कितने चेन आइसोमर्स पॉसिबल हैं। जैसे कि आप देखो, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ब्यूटेन की। तो ब्यूटेन में कितने CI बन सकते हैं, CI दैट मींस चेन आइसोमेरिज्म या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो चेक कर लेते हैं। तो अभी अब सबसे पहले आपके पास चैलेंज क्या है, चैलेंज है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास होना चाहिए। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा तभी तो आप बना पाओगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए आपको पता ही है सी ब्यूट दिया है और एन दिया है, तो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2। अगर आपने IPAC पढ़ा है तो आपके लिए बिल्कुल आसान है, बात समझ में आ गया। और उसी तरह से यह क्या दिया, पेंट दिया है और यह दिया है ए, तो यह भी क्या है, यह भी एल्केन सीरीज है, यह भी एल्केन सीरीज है, और यहां हेक्स दिया है और यहां भी दिया है ए, तो यह तीनों कंपाउंड्स की सीरीज को बिलोंग करते हैं, एल्केन सीरीज को बिलोंग करते हैं। किसको बिलोंग करते हैं, एल्केन सीरीज को बिलोंग करते हैं। और एल्केन सीरीज के लिए जो जनरल फार्मूला होता है क्या होता है, CnH2n+2 होता है। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें
तो इसका मालिक पूरा फॉर्मूला होगा सी टेन हो जाएगा, और इसके मालिकुलर की फॉर्मूले की बात करें तो C5H12 हो जाएगा, और इसके मालिकुलर फॉर्मूले की बात करें तो C6H12 हो जाएगा, और ये बेटा क्या हो जाएगा, सॉरी ये 12 होगा और कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कितने चेन आइसोमर्स पॉसिबल हैं। सबसे पहले चेन आइसोमर्स का रूल क्या है कि चेन आइसोमर्स के लिए मोर देन 3 कार्बन एटम होने चाहिए। मोर देन कितने कार्बन एटम? 3 कार्बन एटम होने चाहिए। तो क्या 3 से ज्यादा है? बिल्कुल है। तो क्या दिया है, सबसे पहले चेन देखते हैं कितने चेन आइसोमर्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टेयर चेन में लिख दीजिए, 1 2 3 4 हो गए, CH3 CH2 CH2 एंड CH3 लिख दिया कि नहीं लिख दिया आपने? ओके आपने लिख दिया। तो यह पहला तो क्या बन गया, एक स्टेट चेन बन गया। क्या बन गया? पहला तो आपका क्या बन गया, एक स्टेट चेन बन गया। और इस स्टेट चेन को क्या बोल सकते हैं आप बताइए? इसको बोल सकते हैं नॉर्मली ब्यूटेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्यूटेन बोल सकते हैं। अब आपको पता है कि रूल नंबर, जो भी रूल नंबर है आपको पता है, रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, रूल नंबर थर्ड कहता है कि कार्बन चेन में कार्बन एटम में क्या करते हैं, कार्बन एटम में चेंज करते हैं। जब कार्बन एटम में चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्मूला है ना, यानी कि जो स्ट्रक्चर एक स्टेट चेन बन गया, क्या बना, एक स्टेट चेन बना। अब इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं जरा देखिए, चेक करते हैं। सी तीन हो गया कि नहीं हो गया, 3, और एक यहां करेंगे तो 4 हो जाएगा, हमने यहां कर दिया सी। देखिए बात समझ में नहीं आ रहा, तो यहां क्या हो गया CH3, यहां क्या हो गया CH2, 1 2 3 CH, यहां क्या हो जाएगा CH3, और यहां क्या हो जाएगा CH3। बात समझ में नहीं आ रहा, तो अब अगर आप देखो तो CH4 कार्बन कितने हैं, 4 है, कितने हैं कार्बन, 4 है, हाइड्रोजन 10 है, कार्बन 4 यहां भी है, हाइड्रोजन 10 है, कार्बन 4 यहां भी है और हाइड्रोजन 10 है। बात समझ रहे यार, इसका नाम क्या है, ब्यूटेन, क्या है, ब्यूटेन। बट इसका नाम क्या हो गया, फिर से बता दीजिए, इसका नाम हो गया 1 2 3, इसका नाम हो गया 2 मेथाइल प्रोपेन हो गया। क्या हो गया बेटा, 2-methyl प्रोपेन हो गया, यानी कि यह क्या था, स्ट्रेट चेन हो गया, और यह कैसा हो गया, यह आपका स्ट्रेट चेन हो गया, यह आपका क्या हो गया, ब्रांच चेन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्ट्रेट चेन हो गया, ब्रांच चेन हो गया। कहने का मतलब है कि इसके स्ट्रक्चर में क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब समझ में आ रहा है कि आ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या है, सेम है, बट इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में क्या हो गया, चेंज हो गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो इसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमर्स क्या होता है, चेन आइसोमर्स क्या होता है, आपको समझ में आ गया कि कार्बन एटम के को डिफरेंट डिफरेंट टाइम में कार्बन चेन में चेंज करके उनको अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, चेन आइसोमेरिज्म कहलाता है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए क्या इससे ज्यादा चेंज आप कर सकते हैं, कुछ और चेंज आप कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो CH3 CH2 CH और CH3 कुछ ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो करने के बारे में, तो आप देखें आप गलत सोच रहे हैं। बात सब एक ही है, यहां से 1 2 3 4 1 2 3 4 बात सब एक है, यह सारे कंपाउंड्स एक ही हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो यानी कि कह सकते हैं कि C4H10 कितने आइसोमर्स दे सकता है, इट कैन गिव 2 चेन आइसोमेरिज्म। ओके, यानी कि ब्यूटेन में कितने चेन आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं, सिर्फ 2 चेन आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझ लेते हैं, इसकी कॉमन नेम की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं, कॉमन नेम की बात कर लेते हैं। तो जब कॉमन नेम की बात करेंगे तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए बेटा, कॉमन नेम में जब कार्बन चेन में जब मोर देन 3 कार्बन एटम किसी चेन में आने शुरू हो जाते हैं तो इसको कॉमन नेम में क्या बोल सकते हैं, एन एन
ब्यूट एन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एन ब्यूटेन, एन फॉर क्या होता है नॉर्मल, नॉर्मल चेन, यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। और याद रखिएगा कि जब किसी कार्बन एटम पे इस तरह की ब्रांच बनेगी, किसी एल्काइल की ब्रांच, यानी कि कार्बन दिया हुआ ऐसे आर और आर, या ऐसे ऐसे एक चेन बनेगी CH2CH3। इस तरह की अगर कार्बन के पास लगातार दो एल्काइल ग्रुप का, और ये चेन ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे नहीं है, तो अगर इस तरह का कुछ एक ही कार्बन के ऊपर दो एल्काइल ग्रुप यानी कि 3 इस तरह का चेन बन रहा है, तो इसको बोलते हैं, इस तरह के फॉर्मूले को बोलते हैं आइसो। तो कॉमन हो जाएगा आइसो ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटेन, यानी इसे बोला गया एन ब्यूटेन और इसे बोला गया आइसो ब्यूटेन। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं C5H12 की। तो C5H12 में कितने आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं, जरा उसको चेक कर लेते हैं। C4H12, ठीक है, C4H12 में कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपके लिखने का तरीका है, तो स्ट्रेट चेन हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि सबसे पहला काम तो यही करना है, CH3 CH2 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 and CH3। ओके, इसको आपने क्या बोला, इसको बोला आपने N, मोर देन 3 है, इसको बोला आपने N पेंट N, क्या बोला आपने N पेंट N, बोलो सौ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या बोला आपने N पेंट N। दूसरा जो आपके पास बन सकता है, क्या बन सकता है जरा देखिए, अब कार्बन चेन में, कार्बन एटम में क्या करना है, यानी कि स्टेट चेन में ही क्या करना है आपको, चेंज करके क्या करना है, एक अलग तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, एक अलग तरह का स्ट्रक्चर बनाना है बाय द चेंज ऑफ कार्बन एटम, यानी कि इसी में कैसे चेंज करेंगे। तो अब आप क्या करो, इसको उठाओ या इसको उठाओ, इस पे लगाओ, इस पे और इस पे, पहले पे लगाएंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि देखो उधर CH3 CH2 CH2 C, अब आप इसको कह सोच रहे हो इसको उठा के यहां लगा दें, तो 1 2 3 और यहां क्या कर दिया CH3 और यहां हो गया CH3, 1 2 3 4 5, तो फिर भी नाम इसका 1 2 3 4 5, क्योंकि यह काउंटिंग ऐसे हो जाएगी, बात समझ आ रही नहीं आ रहा, यह काउंटिंग ऐसे हो जाएगी, कोई मतलब आपके नहीं होगा। उसी तरह से अगर आप इसको उठा के यहां लगा देंगे तब भी काउंटिंग हो जाएगी, तो पेरेंट चेन मान लिया जाएगा, वहां कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे करना है CH3 C and CH3, दूसरे वाले पे चेंज करिए CH2 and CH3, कितने हो गए 1 2 3 4 और क्या हो गया 5 हो गया। तो अब आप इसके नेमिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4, अगर आप यहां लगाते तब भी बात वही पड़ती, कोई चेंज नहीं होता। अगर आप चाहें तो देख लीजिए, अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, देखिए दोनों स्ट्रक्चर सेम ही हैं, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, नेम दोनों के क्या होंगे, एक ही होंगे 1 2 3 4। तो आप यहां से लगाएं, यहां काउंटिंग वहीं से हो जाएगी जहां से साइड चेन पास में पड़ेगा। अगर आपने आईपीएससी नहीं पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आएगा ज्यादा इन सब बातों को। तो सबसे पहले इसीलिए आइसोमेरिज्म जो चैप्टर है ये आफ्टर आईपीएससी है, तो जिन्होंने आईपीएससी पढ़ा हुआ उनको ये चीजें समझ में आएंगी। तो यहां से क्या हो गया फिर से बताइए, तो 2 2 मेथाइल ब्यूटेन, ओके, क्या नाम हो गया 2 मेथाइल ब्यूटेन। और अभी मैंने आपको समझाया कि इस तरह के स्ट्रक्चर के लिए आइसो वर्ड यूज किया जाता है, तो कॉमन नेम हो जाएगा आइसो पेंटेन हो जाएगा, नियो पेंटेन यानी कि एन पेंटेन और आइसो पेंटेन, और कॉमन नेम क्या है इसका, सॉरी आईपीएससी नेम क्या है, 2 मेथाइल ब्यूटेन। यानी कि देखिए स्ट्रक्चर में चेंज आया कि नहीं आया, इसके और इन दो, इसके और इन दोनों, इसके और इसके स्ट्रक्चर में चेंज आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। एक और देख लेते हैं, क्या एक और कुछ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, चेक करते हैं क्या पॉसिबल है, CH3 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 and CH3, चेक कर लीजिए आप, देखिए यानी कि यह ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। आप देखिए कार्बन चेन 1 2 3 4 और एक 5 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, तो इस तरह से भी एक अरेंजमेंट बन सकता है।
बट इसके आईपीसी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखो तो आप ऐसे ऐसे चेन ले सकते हैं या ऐसे ऐसे ले सकते हैं, हर कंडीशन में दो सी एस थ्री क्या कर जाएंगे, बच जाएंगे। तो अगर मैंने स्ट्रेट ले लिया तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 2.2 डाई मेथाइल, 2.2 डाई मेथाइल, और क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कॉमन नेम की बात कर देते हैं। तो अब याद रखिएगा कि जब किसी कार्बन एटम के, जब किसी कार्बन एटम के चारों तरफ, चारों तरफ क्या हो, सी 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 यानी कि अल्काइल ग्रुप हो, एक वर्ड यूज होता है क्या, नियो, नियो, और क्या हो जाएगा, पेंटेन। इसके लिए वर्ड क्या यूज हो गया, नियो पेंटेन। बात समझ आ रही नहीं आ रहा, अब इसके बाद कोई स्ट्रक्चर आप इसमें नहीं बना सकते हो, यानी कि कह सकते हैं कि जो ये वाला कंपाउंड है यानी कि C5H12 यानी कि ब्यूटेन में 3 कितने 3 CI पाए जाते हैं, यानी कि चेन आइसोमर्स पाए जाते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम हेक्सेन वाला देख रहे हैं। तो चलिए हेक्सेन में आइसोमेरिज्म ढूंढना शुरू करते हैं, चेन आइसोमर्स। तो हेक्सेन में कितनी चेन आइसोमर्स बन सकते हैं, जरा उसको देखेंगे। देखिए, तो अब तक मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया है, तो अब मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इस चेन आइसोमर्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको, आपने इस तरह से इसे अरेंज किया, ओके, एक स्ट्रेट चेन आपके पास बन गया कि नहीं बन गया, आपने एक स्ट्रेट चेन बना लिया कि नहीं बना लिया, तो इसका नाम 1 2 3, तो आपको पता ही है क्या नाम हो जाएगा, एन हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन हेक्सेन या हेक्सेन आप बोल सकते हैं, ओके, बात सुन रहे हैं। दूसरा स्ट्रक्चर तो आपको बनाने आ गया कि दूसरे वाले कार्बन पे एक ब्रांच बना दें, तो चाहे आप इधर से बनाएं, देखिए चाहे आप यहां से बनाएं, इधर से लेकर के इसको हटा के यहां कर दें, या इसको हटा के यहां कर दें, तो बात दोनों का सेम पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, नाम में कोई चेंज नहीं आएगा, 2-methyl pentane, ओके, तो आपका यहां भी वही पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो, फिर से कार्बन चेन को उठा के इधर शिफ्ट करो, ओके, यानी कि कार्बन एटम के पोजीशन में चेंज कर दो। तो अब आप देखो क्या हो गया, 1 2 3 4 5, तो यानी कि अब क्या हो गया, 3-methyl हो गया, क्या हो गया, 3-methyl, यहां क्या था, 2-methyl था, और यहां क्या हो गया, 3-methyl, और फिर क्या हो गया, पेंटेन हो गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 3-methyl pentane, और इसका, अच्छा इसका IBS, और इसका कॉमन नेम तो आपको पता ही है, इसका कॉमन नेम क्या बता सकते थे आप, इसका कॉमन नेम बता सकते थे कि जब इस तरह का स्ट्रक्चर बने तो इसको क्या बोलते हैं, आइसो, क्या बोल सकते हैं, हेक्सेन बोल सकते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो हेक्सेन। उसके बाद यह भी आपका आ गया। अब आते हैं चौथा, जो अभी आपको पीछे मैंने समझाया कि कार्बन चेन लिया, कार्बन चेन के दोनों तरफ क्या मान दिया मैंने, एल्काइल ग्रुप बना दिया, एल्काइल ग्रुप ले लिया चारों तरफ, कार्बन के चारों तरफ एल्काइल ग्रुप दिया हुआ, ओके, तो यानी कि अब चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। तो चेन सेलेक्ट करने के लिए आपने क्या कर लिया, ये कर लिया 1 2 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा, 2.2 डाई मेथाइल हो जाएगा, 2.2 डाई मेथाइल, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। अच्छा, जब इसके कॉमन नेम की बात करते हो तो क्या हो जाता है, नियो हेक्सेन हो जाता है, क्या हो जाता है, नियो हेक्सेन इसका कॉमन नेम हो जाता है। अब देखिए एक स्ट्रक्चर और बन सकता है, कैसे बन सकता है, आप चेक कर लीजिए, 1 2 1 2, तो 1 2 3 4, अब देखो क्या हो गया, 2.3 डाई, अब देखो 2.3 डाई मेथाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो गया। देखिए सबके स्ट्रक्चर चेंज है कि नहीं, सबके स्ट्रक्चर चेंज है, तो सबके स्ट्रक्चर चेंज है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बट स्ट्रक्चर फार्मूला सारे कंपाउंड्स का क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इसके बाद 5 के बाद और कुछ बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। तो यहां पर कह सकते हैं यानी कि C6H12 में जो चेन आइसोमर्स होता है कितने बन सकते हैं, 5 5 5 ही है ना, हां 5 चेन आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ओके, बात समझ आ रही है। तो ये चीजें सिर्फ और सिर्फ एल्केन में ही नहीं हो सकती हैं, एल्केन में ही नहीं हो सकती हैं, बल्कि एल्कीन, एल्काइन या किसी फंक्शनल ग्रुप में भी इस तरह के आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स निकाले जा सकते हैं। बात समझ आ रही है, तो आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं और भी सारी चीजें बता देता हूं।
चलिए स्टूडेंट्स अब इन कंपाउंड्स के आइसोमर्स देखना शुरू करते हैं। ओके देखिए इसमें से कुछ मैं आपको हेल्प के लिए बता देता हूं, बाकी कुछ दम नहीं रह गया है। अगर आपने शुरू के तीन चार एग्जांपल अच्छे से पढ़ लिए हैं तो बाकी एज यूजुअल होते चले जाएंगे, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। ठीक है तो उसीलिए लगातार मैं कहता हूं कि आईपीएसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आईपीएसी किसी भी कंपाउंड्स की पढ़ रखी है तो याद रखिएगा आईपीएसी केमिस्ट्री का पिलर माना जाता है। तो अगर आपको आईपीएसी आता है तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। बाई द वे अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज यकीन मानिए जाकर के उसको देख लीजिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा टेंशन आपको केमिस्ट्री में होने वाली है। ठीक है प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के आप क्या कर सकते हैं वहां से देख सकते हैं, सीधे लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ओके प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप क्या कर सकते हैं आईपीएससी नेमिंग सीख सकते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सीखना चाहते हैं कि नहीं। देखिए यहां देखिए क्या दिया हुआ, ब्यूट इन दिया हुआ, ब्यूट आइन दिया हुआ, ब्यूट आइन सॉरी पेंट आइन दिया हुआ और ब्यूटेनॉल दिया हुआ। क्या दिया हुआ ब्यूटेनॉल। तो अब आपको पता है यह कौन सा सीरीज है, फिर से बताइए कमेंट करके बताइए कौन सा सीरीज है। यह एल्कीन सीरीज है, कौन सा सीरीज है एल्कीन। यह कौन सा सीरीज है एल्काइन सीरीज है, कौन सा सीरीज है एल्काइन। यह भी आइन लगा है एल्काइन सीरीज। यह कौन सा है एल्कोहल, क्या है एल्कोहल। बात समझ आ रही नहीं आ रहा, तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए CnH2n प्लस वन और क्या होता है OH। लगातार मैंने आईपीएससी नेमिंग में जनरल फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़िएगा। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है फिर से बता दीजिए CnH2n, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। और इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n माइनस टू। बात सुन आ रही नहीं आ रहा, तो ये आपके लिए हो जाएगा। ओके चलिए मैं एक आपको सिखाता हूं। तो अगर आप देखिए इसके लिए ब्यूट दिया है तो ब्यूट के लिए n = क्या होता है 4 होता है, क्या होता है n इज इक्वल टू 4 होता है। तो आप बना लीजिए क्या हो जाएगा C4H8 बन जाएगा। तो अब इसमें कितने चेन आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं, बिल्कुल पहले जैसा ही है, कोई दम नहीं है इसमें, वन पे लगा हुआ है, क्या हो जाएगा CH3 CH2। देखिए मैं आईपीएससी नहीं सिखाना चाह रहा आपको, यहां जो मुद्दे की बात है मैं वही करना चाह रहा हूं। ठीक है ये कंपाउंड दिया हुआ तो इसमें कितने चेन आइसोमर्स बन सकते हैं जरा चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से तो पहला कंपाउंड यही बन गया, नाम इसका क्या है एन ब्यूटेन हो सकता है। बात है एन ब्यूटेन हो सकता है। दूसरा क्या बन सकता है, पहला तो ये बन गया और दूसरा क्या बन सकता है आपका CH3 C और CH3 CH3 और CH डबल बॉन्ड एंड CH3। बात समझ नहीं आ रहा, आप चेक कर लीजिए बिल्कुल 1 2 3 4 ओके सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर से बताइए 1 2 3 4 इसका नाम क्या हो जाएगा 3 methyl butene 1। बात समझ आ रही नहीं आ रहा, तो अब याद रखिएगा इसमें कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, सिर्फ 2 आइसोमर्स ही बन सकता है, बाकी कोई आइसोमर्स नहीं बन सकता है। याद रखिएगा इनमें चेंज नहीं करना है, इनमें चेंज नहीं करना है, चेंज किसमें करना है फंक्शनल, यानी कि ये डबल बॉन्ड क्या है FG होता है ना, फंक्शन ग्रुप होता ना, तो फंक्शन ग्रुप में चेंज नहीं करना है, चेंज किसमें करना है चेन कार्बन एटम में चेंज करना है, ना कि किसी फंक्शन ग्रुप में। तो आपने यहां से उठा के इसको यहां कर दिया तो कंपाउंड बन गया, यानी कि कह सकते हैं कि इसमें कितने का कितने आइसोमर चेन आइसोमर्स पॉसिबल है, सिर्फ 2 चेन आइसोमर्स पॉसिबल है। उसी तरह से अगर आप इसकी बात करें तो यहां भी क्या बन जाएगा, तो अगर आप चेक करना चाहें तो क्या हो जाएगा ब्यूट दिया है तो C4H7 और क्या हो जाएगा O हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। ओके तो ये हो जाएगा, तो इसमें भी कितने बन सकते हैं फिर वही बात CH3 CH2 CH2 और CH2 और क्या हो गया OH हो गया। तो अगर आप देखें तो यहां क्या है 1 2 3 एंड 4 इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल 1। अब इसको उठा के यहां लेके आइए तो क्या हो जाएगा CH3 C और CH3 CH2 1 2 3 4 और OH। इसकी पोजीशन में कोई चेंज, फंक्शन ग्रुप की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा 2 methyl 2 methyl और क्या हो जाएगा 2 methyl propanol, क्या हो जाएगा 2 methyl propanol। और हाँ इसका आईपीएससी अगर आप लिखना चाहें तो आईपीएससी क्या हो जाएगा बेटा जी
आइसो ब्यूटेनॉल हो सकता है, ठीक है, और ये क्या हो सकता है, एन ब्यूटेनॉल हो सकता है। समझ आ रहा है, ठीक है, तो बाकी सब की आप प्रैक्टिस करिएगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और देखिए वीडियो भले ही लंबी हो जाती है, जो टॉपिक हम उठाते हैं पूरी तरह से उसको अच्छे से समझा करके आपको तभी छोड़ते हैं। ये नहीं है कि थोड़ी मोटी चीजें समझा दिया फिर उसके बाद आप अपने आप से क्या करते रहो, सीखते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी टॉपिक मैं उठाऊंगा वो सारा का सारा बहुत ही ढंग से कराऊंगा ताकि फिर आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, मेरा मकसद सिर्फ यही है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, क्या आपको सब समझ में आया कि नहीं आया, ओके। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा कि ताकि जैसे आप सीख पा रहे हैं बाकी लोग भी क्या कर पाए, सीख पाए। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, दैट मींस पोजीशन आइसोमेरिज्म में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिएगा जरूर।